यार हम लोग टी गार्डन के पास में आ गए हैं अभी। ये एक होटल है, इसमें चाय वगैरह पी ले यार, हालत ख़राब हो गई। जाने के टाइम पे यार आगे बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। आने के टाइम पे यार जगह नहीं थी, वो पीछे बैठा लिया, दिमाग ख़राब हो गया। आके हमको बैठना पड़ा थोड़ी देर, अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं उससे। बाकी टी गार्डन यार ये हमारे नीचे है, अभी चाय वगैरह पी ले तब फिर चाय वगैरह पी लेते हैं यार, उसके बाद चलते हैं। बगल से रास्ता बता रहे हैं भाई साहब, के बगल से रास्ता है। इस तरह कैसे काम होगा देखते हैं, अब जुगाड़ करना पड़ेगा यार कुछ इसके लिए। सुबह हम पूरा रास्ता जो यहाँ से हम लोग निकले थे कौशानी से, तो उस टाइम पे यार आगे बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन समस्या ये होती है ना यार कि ट्रांसपोर्ट जो साधन वो टाइमली मिल नहीं रहे हैं, तो इसके लिए यार मजबूरी में बैठना पड़ जाता है पीछे। कि चलो ठीक है पीछे ही बैठ के चले चलते हैं। लेकिन यहाँ से अभी लगभग 4 किलोमीटर है कौशानी हम लोगों का रूम, तो अभी पैदल ही जाएंगे अब की बार। बाकी यार व्यू इस होटल से बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, सामने का देख सकते हो। ये सामने ये सारे चाय के पेड़ ही हैं, तो अभी बगल से देखते हैं चल के क्या सिस्टम है इनका। यार मैगी आ गई है हम लोगों की, चाय भी बन रहा है, तो मैगी खाते हैं। भूख लग गई थी यार, सुबह मैगी खा के ही निकले थे, उस टाइम पे खाना था नहीं उनके पास। चलो फिर से मैगी खाते हैं, उसके बाद फिर चाय पीते हैं। चलो खाओ। भैया पानी ले लेते होते उसके पहले। भैया एक आदमी है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात भाग रहा अभी आता तो एक आराम से आइए। भाई साहब चाय बहुत अच्छी थी यार, मैगी भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। और यार ऐसे व्यू के साथ चाय पीने का अलग ही मजा है। सामने ये त्रिशूल पर्वत दिख रहा, इधर से फिर एक ये नंदा देवी है, एक का यार मुझे पता नहीं, क्योंकि भाई आते हैं पूछते हैं फिर कौन सी ये। यार चाय पी लिया, मैगी भी खा लिया, अब चलते हैं थोड़ा सा टी गार्डन देखते हैं। फाइनली हम लोग टी गार्डन पहुंच ही आए हैं। यहाँ पे वो बता रहे थे एक दादा हैं यार, वो दादा दिख नहीं रहे हैं कहीं पे। भाई साहब यहाँ फूल बहुत अच्छे लगाए हुए हैं यार, कलर अच्छा लग रहा है यार इन फूलों का। वैसे हैं बहुत सारे सेब के पेड़, तो मैं पहचान लिया हूँ, चूँकि मैं एप्पल गार्डन गया था तो सेब के पेड़ तो वो वाले हैं, वो जो सामने दिख रहे हैं। बाकी सही है यार। ये चुस्की क्या होता है यार, दादा का आना ज़रूरी था यार यहाँ पे, वो आया नहीं है, कुछ बता नहीं पाए। चुस्की
जबरदस्त नाम है भाई, चुस्की का पेड़। यार कोई था नहीं यार, पूछना चाह रहे थे सारी चीज़ें। ये बाज का पेड़ हो गया, बढ़िया बनाए हुए यार, काफ़ी सारे पेड़ हैं, बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे पेड़ हैं। फल तोड़ना मना है, तो नहीं तोड़ेंगे भाई, जैसे आपकी आज्ञा, आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। फल तोड़ना मना है यार, अगर होता भी कोई तो पूछ लेते कि फल तोड़ सकते हैं कि नहीं, लेकिन कोई है नहीं तो फिर नहीं तोड़ सकते हैं। यार यहाँ पे संतरा के ही पेड़ सबसे ज़्यादा हैं भाई साहब। सामने वो त्रिशूल पहाड़ी है, उसका गजब ही रंग दिख रहा है सामने। यार देख लिया यहाँ पे, अब निकल रहे हैं। चलते हैं यार, टाइम हो रहा है, यहाँ से पैदल भी जाना है, क्योंकि यार नहीं यूज़ करेंगे साधन, अब दवा नहीं खाए हैं आज तो, आज नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि यार प्रॉब्लम होने लग रही है। लगभग 4 किलोमीटर है यार, चले जाएंगे आराम से। अभी उस दिन 10 किलोमीटर हम लोग ऐसे ही पहुँच गए थे। अभी उस होटल पर से यार जो ये पहाड़ों पे सनसेट हो रहा है ना, जो लाइट आ रही है बिल्कुल पीला हो रहा है, होटल से फ़ोटो भी लेना यार हम लोगों को। तो यहाँ से निकलते हैं, हम लोग गैर कानूनी तरीके से सब जगह घूम रहे हैं, और पैर में लग भी गया यार, क्योंकि कोई था नहीं यार, कोई बताने वाला नहीं था कोई, ये गलत हो रहा है ना यार, कोई ना कोई हो बताने वाला, क्या है कैसे है। अभी टाइम भी नहीं ना यार, आउट सीज़न पे हम लोग घूमेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही होगा। चलो निकलते हैं यहाँ से। A few moments later. यार हम लोग टी गार्डन से आ गए हैं फिर से होटल में, और यहाँ से बस भाई बहुत बिल्कुल स्ट्रीप बनाए हुए हैं यार यहाँ पे। हम लोग इस जो कलर है वाइट माउंटेन्स का, इसी कलर के लिए सिर्फ आए थे यहाँ पे। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि पैदल जाना है 4 किलोमीटर। एक्सपीरियंस तगड़ा हो रहा है भाई, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त का अच्छा लग रहा है यार, यहाँ बैठ के सिर्फ पहाड़ों को देखना। स्नो जो अभी तक वाइट दिख रही थी वो बिल्कुल येलो, येलो क्या कहेंगे, ऑरेंज कलर का दिख रहा है यार पूरा। A few moments later. यार हम लोग लगभग 2 किलोमीटर चल के आ गए हैं अभी, अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है और अंधेरा होने लगा यार। ठीक है यार, चल रहे हैं धीरे धीरे, कोई साधन भी नहीं आ रहा है यार इस टाइम पे, तो देख लेते
कोई साधन होता, अगर आगे सीट मिल जाती तो बैठ के चले जाते। अंधेरा हो गया यार, कुछ आ नहीं रहा कैमरे में, तो अब कौसानी पहुंच के मिलते हैं फिर। A few moments later, लोग कौसानी अपने होटल पहुंच आए हैं। अब यार चलेंगे, पहले फ्रेश होंगे वगैरह धुलेंगे, उसके बाद खाना खाने आएंगे। होटल वाले भैया से बता दिया है यार कि हम लोगों का आप व्यवस्था किए रहिएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ आराम से। हम लोग आराम से मुंह वगैरह धुल के फ्रेश हो के फिर आते हैं। फिर हम लोग खाना खाएंगे यार। उन्होंने कहा यार हम तुम्हीं लोगों के लिए बना रहे थे खाना अभी, तो आज हम लोग खाएंगे आलू गोभी और टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। चावल तो यार यहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार यहाँ चावल इस टाइम पे कोई नहीं खाता है, हम लोग लेके भी नहीं आते हैं, और सिर्फ रोटी सब्ज़ी दाल यही सब बनता है। तो यार बस अभी चलते हैं, हम लोग फ्रेश होते हैं उसके बाद फिर चलते हैं खाना खाते हैं। भाई साहब भी ना हमको लगता है हमको देखे नहीं यार, वो पीछे ही रह गए। चलो फ्रेश होते हैं उसके बाद मिलते हैं फिर। A few moments later. चल रहे हैं यार खाना खाने, चल के देखते हैं क्या खाना कैसा मिल रहा आज भाई के पास। ठंड तो है यार बाहर, हम शूज भी नहीं पहन के आए हैं, सिर्फ चप्पल पहन के चले आए हैं यार। गजब की हवा आ रही है भाई, ठंडी ठंडी। A few moments later. यार खाना खा लिया हम लोगों ने, यार बिल्कुल अभी 7:30 बजे हुए हैं और बंद हो गया पूरा, बाकी ठीक है यार। मार्केट थोड़ी बहुत तुमने एक आध दुकानें खुली, वो भी बंद हो रही हैं यार। ठंड लग रही है, शूज़ नहीं पहन के आए यार, इस वजह से चलना पड़ेगा रूम के अंदर। लगभग टेम्परेचर इस टाइम पे 6 degrees के आसपास है। बाकी मार्केट का ये हाल है यार, सामने कुछ गाड़ियां आ जा रही हैं। I'm going to go to the next one.